लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। तिब्बतियन मस्टिफ ब्रीड के इस कुत्ते की कीमत 15 से 30 करोड़ के बीच बताई गई। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के शहर जयपुर में इस डॉग शो का आयोजन किया गया था, जहाँ दुनिया भर की कई नस्लों के कुत्ते शामिल हुए थे। इनमें से सबसे खास और सबसे महंगा कुत्ता यही था। इसके बारे में सुनकर लोग हैरान रह गए। बता दें, तिब्बतियन मस्टिफ ब्रीड के इस डॉग के बारे में पता चला कि उसकी विशेष देखभाल की जाती है। इस कुत्ते की एक खासियत यह भी है कि यह हमेशा ऐसे रूम में रहता है और ज्यादा देर बाहर रहने पर यह अच्छा फील नहीं करता। आइए जानें विश्व की कुछ और महंगी कुत्तों की नस्लों के बारे में। यह कुत्ता चीन से एक ऑक्शन में खरीदा गया था। इसे 24 घंटे एसी में रखना होता है, साथ ही इसको 15 दिन में स्पा भी करवाना होता है। इस कुत्ते के वजन के बारे में सुनकर तो कोई भी चौंक पड़ेगा। 32 इंच साइज वाले तिब्बतियन मस्टिफ का वजन करीब 70 से 80 किलो के इंसान के बराबर है। इसकी डाइट भी स्पेशल है। राजस्थान लाए गए इस कुत्ते के खाने के लिए बादाम ईरान से आते हैं और खाना जर्मनी से मंगवाना पड़ता है। लोचेन नस्ल का कुत्ता, इसे लिटिल लायन डॉग भी कहते हैं, ये दुनिया की सबसे महंगी और दुर्लभ ब्रीड का कुत्ता माना जाता है। इस जाति के कुछ 100 कुत्ते ही पूरी दुनिया में है और इनकी कीमत करीब 45 करोड़ रुपए है। रोटवेलर डॉग, यह एक विशालकाय घरेलू कुत्ता है। रोटवेलर बेहद अनुशासित कुत्ता है जो दुनिया भर में सेना और पुलिस बलों में शामिल किया जाता है। इसकी कीमत करीब 40 से 44 करोड़ तक बताई जाती है। समुई यह साइबेरिया में पाया जाता है। इसे स्लेज खींचने के भी काम में लिया जाता है और इसकी कीमत 40 से 50 करोड़ के बीच आंकी जाती है। जर्मन शेफर्ड, जो विश्व का सबसे बेहतरीन अल्सेशियन नस्ल का कुत्ता माना जाता है, ये बेहद समझदार और बहुपयोगी डॉग है। इसको बतौर गार्ड और रेस्क्यू डॉग के ज्यादातर सुरक्षा एजेंसियां इस्तेमाल करती हैं। इसकी कीमत 35 से 37 करोड़ के बीच लगाई जाती है। कनेडियन एस्किमो डॉग, यह नॉर्थ अमेरिका की सबसे पुरानी और दुर्लभ प्रजाति का कुत्ता है। बेहद ताकतवर और एथलेटिक डॉग माना जाने वाला यह कुत्ता सुरक्षा की दृष्टि से बेहद खास है। इसकी कीमत 30 से 35 करोड़ रुपए के बीच बताई जाती है।